एसआई सर्वे रिपोर्ट की मिली हार्ड कॉपी। सर्वे रिपोर्ट की हर लाइन हिंदू मंदिर होने की लिखी हुई बात। रामलला के दर्शन कर अयोध्या से वृंदावन लौटी साध्वी रितंभरा, अनुयायियों ने किया स्वागत, वात्सल्य ग्राम में मनाया गया उल्लास पर्व। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने इंडिया गठबंधन पर किया पलटवार, साक्षी महाराज ने कहा तार तार हो जाएगा इंडिया गठबंधन। लखनऊ के दारुलूम फरंगी महली में हुआ ध्वजारोहण, मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने महली ने किया ध्वजारोहण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुख करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा से बड़ी खबर, गांव परखम में ठाकुर और जाटवों में विवाद को लेकर कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। पुलिस ने शांति व्यवस्था को लेकर किया फ्लैग मार्च। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, परखम में ठाकुर और जाटवों में हुआ विवाद, विवाद को लेकर कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। पुलिस ने शांति व्यवस्था को लेकर किया फ्लैग। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गणतंत्र दिवस पर कलेक्ट्रेट में हुआ ध्वजारोहण, जिलाधिकारी अनुज सिंह ने किया ध्वजारोहण, देश की एकता व अखंडता के लिए दिलाई गई शपथ। सीतापुर जिलाधिकारी कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, गणतंत्र दिवस पर कलेक्ट्रेट में हुआ ध्वजारोहण, जिलाधिकारी अनुज सिंह ने किया ध्वजारोहण, देश की एकता व अखंडता के लिए दिलाई गई शपथ। सीतापुर में जिलाधिकारी कार्यालय में हुआ पूरा कार्यक्रम। लखनऊ में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जगह जगह गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास पर भी झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में झंडारोहण किया। बता दें कि सीएम ने 75वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी हिंदू और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को जिला जज की अदालत से मिल गई है। वहीं 839 पेज के इस सर्वे रिपोर्ट की हर लाइन हिंदू मंदिर होने की बात लिखी गई है, जिसकी जानकारी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दी है। वहीं एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में बताया कि पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का भगावशेष है। इसके अलावा मस्जिद के खंभों पर हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो हिंदू मंदिर होने के सबूत को पुख्ता करते हैं। साथ ही मंदिर के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के खंडित मूर्तियों और सिक्के समेत चीजें अवस्थित पाई गई हैं। भगवान रामलला के दर्शन कर साध्वी रितंभरा अयोध्या से वृंदावन लौटी हैं, जहां साध्वी रितंभरा के वात्सल्य ग्राम पहुंचने पर गोकुल के लोगों ने मुख्य द्वार पर उनका पुष्पमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही 108 दीपों से उनकी आरती उतारी गई और भगवा पताकाओं के बीच आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते साध्वी रितंभरा को मंगल मानस ले गए, जहाँ उन्होंने सर्व मंगल माता का पूजा अर्चना की। बसपा सुप्रीमो मायावती के गिरगिट वाले बयान पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन गिरगिटों का समूह है और समय आने पर रंग बदलेगा। साथ ही साक्षी महाराज ने कहा अभी तो माया और ममता अलग हुई हैं, अभी तो और कितने लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। इसके अलावा साक्षी महाराज ने ममता के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि मैंने पहले ही कहा था चुनाव नजदीक आने दीजिए, गठबंधन तार तार हो जाएगा। लखनऊ में दारुल उलूम फरंगी महल में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यक्रम में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उलमा और मदरसे के सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। बता दें कि दारुल उलूम ऐशबाग ईदगाह में ध्वजारोहण हुआ, जिसको लेकर गणतंत्र दिवस पर ऐशबाग ईदगाह तिरंगे से सजाई गई। अंबेडकर नगर में अपर पुलिस अधीक्षक ने जनपद में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर चेकिंग की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा बाजारों, मुख्य चौराहों पर पैदल गश्त एवं होटल ढाबा की चेकिंग कर आमजन को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया। इस दौरान चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई।
बहराइच में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आयोजन पुलिस लाइन मैदान में हुआ, जहां भयंकर घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में डीएम मोनिका रानी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर डीएम मोनिका रानी एवं एसपी वृंदा शुक्ला ने तिरंगे को सलामी दी। बिजनौर जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया, जहां बिजनौर कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण कर शहीदों को याद किया गया। वहीं पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले एसपी नीरज कुमार ने परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। साथ ही कार्यक्रम में बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौन को प्लैटिनम अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। बिजनौर के चांदपुर तराहे पर पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया द्वारा तिरंगा झंडे का लोकार्पण किया गया। बता दें कि नगर पालिका द्वारा तिरंगा झंडे का निर्माण कराया गया, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे झंडे का लोकार्पण पूर्व परिवहन मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया द्वारा किया गया। वहीं इसके बाद मंत्री अशोक कटारिया ने शहीद प्रवीण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही तिरंगा झंडा फहराया गया। वहीं इस मौके पर नूरपुर नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर एमपी सिंह द्वारा पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, एसडीएम मनोज कुमार सहित कई लोगों को फूल देकर सम्मानित किया गया। हमीरपुर में 23 सालों के बाद महिला एसपी दीक्षा शर्मा ने गणतंत्र दिवस की सलामी ली। इससे पहले 2001 में तत्कालीन एसपी नीरा रावत ने गणतंत्र दिवस में सलामी ली थी। बता दें कि मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां घने कोहरे के बीच पुलिस की टीमों ने सलामी दी। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। कानपुर में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आयोजन पुलिस लाइन मैदान में हुआ, जहां औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां पुलिस लाइन ग्राउंड में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। वहीं इस दौरान मौके पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, जेसीपी नीलाब्जा चौधरी, जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर भाजपा के तमाम नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नेहरू भवन पर झंडारोहण किया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झंडारोहण किया। कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहराया गया। वहीं इस दौरान गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहे। सीतापुर के नगर पंचायत हरगांव में गणतंत्र दिवस पर गफ्फार खान अध्यक्ष नगर पंचायत द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के समस्त सभासद व स्टाफ उपस्थित रहे। वहीं ध्वजारोहण के बाद महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया और सभी को मिष्ठान वितरण किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में नगर पंचायत हरगांव के सभासद समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्नाव में 75वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह शामिल हुए। इस दौरान राज्य मंत्री का एसपी उन्नाव एसएस मीना ने स्वागत अभिनंदन किया, जिसके बाद राज्य मंत्री ने झंडारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को नमन किया। साथ ही परेड की सलामी लेने के साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पुलिस महानिदेशक के द्वारा मुझे मेडल से सम्मानित किया गया है और हमारे जो कर्मचारी गण हैं कांस्टेबल हेड कांस्टेबल उनको भी भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से उनको पदक प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहता है और भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए भी प्रेरणा इससे सभी को मिलती है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज सभी ने बहुत अच्छी परेड का आयोजन किया, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मीडिया बंधुओं का विशेष में योगदान रहा, हमारे सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में इसी तरीके से हम और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।